नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार का जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ी स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप योजना। इस योजना के तहत जो भी बच्चे होते हैं ना उनको हर महीने 4000 रुपये की जो सहायता राशि है वो दी जाती है। इसके लिए जो आवेदन है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। आवेदन आपको कैसे करने हैं और बेनिफिट जो है किनको मिलने वाला है इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश का नोटिस दिखा रहे हैं और बिहार की जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिहार में भी स्कीम चलता है, उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए, मेरे पास देखेंगे तो एक जो है ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि बिहार समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा इसको जारी किया गया है। देखेंगे तो 2018 में स्पॉन्सरशिप जो योजना है ना उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो 2018 में जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं चलता है, हालांकि बिहार का जो नोटिस है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन बिहार में भी आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए आपको हम जानकारी यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि स्पॉन्सरशिप योजना में लाभुक बच्चों को मिलता है 4000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन की राशि। और देख सकते हैं कि 7 घंटा पहले जो है बांका जो होता है ना, बिहार का जो बांका जिला है, उसके द्वारा ये जो है जानकारी निकल के आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिहार में भी इसका आवेदन लिए जा रहे हैं और बिहार के जो भी इच्छुक लोग हैं, योग्य लोग हैं, वो अपना आवेदन कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरते हैं और किस तरह से बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप योजना जो कि बिहार में भी लागू है। ऐसा नहीं है कि बिहार में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिहार में मिलेगा, ठीक है। इसमें जो भी 18 वर्ष तक के कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उनको बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो 18 से कम बच्चे हैं ना, 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उनका ही बेनिफिट यहाँ पे उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 18 प्लस कोई बच्चा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो उनको जो है 4000 रुपये प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि हर महीने जो है 4000 रुपये उनको दिए जाएंगे। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले पात्रता के रिगार्डिंग जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और कैसे जो बच्चे हैं ना उनको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है वो बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वो अनाथ में रहेंगे तो अनाथ में क्या होता है कि कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मान लीजिए वैसे बच्चे जिनके माँ का जो है तलाक हो चुका है और वो जो है घर से अलग कर दिए गए हैं, मतलब कि वो घर में नहीं रह रही है, घर से उनको बाहर कर दिया गया है और वो जो है तलाकशुदा औरत है, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या फिर उनमें से कोई एक गंभीर जानलेवा रोग से ग्रसित है, वैसे भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उनके माता पिता कोई भी अगर मान लीजिए किसी गंभीर जो रोग होता है उससे ग्रसित है, तो वैसे जो भी बच्चे हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, ठीक है, जो घर से बाहर हैं, बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, या फिर मान लीजिए ऐसे बच्चे जो कानून के अंतर्गत कहीं मान लीजिए किसी प्रकार की उनको कुछ प्रॉब्लम है, कानून के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उनके पे केस चल रहा है या फिर कुछ समस्या है, तो वैसे भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, यानी कि जो बाल भिक्षावृत्ति होता है उससे मुक्त कराया गया हो, वैसे भी जो बच्चे हैं ना यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, उनको भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि आपदा के शिकार हो गए हैं या फिर कोई विकलांग है, लापता है, घर से भागे हुए बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कोई विकलांग भी है वो भी फॉर्म को यहाँ पे भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनमें से एक कारागार में मतलब कि जेल में बंद है, तो वैसे भी जो भी बच्चे हैं ना वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, उनके माता पिता में से कोई एक जेल में बंद है तो वो भी फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो HIV एड्स से प्रभावित है वैसे भी बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल करने में असमर्थ है, यानी कि वैसे भी बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं जिनके माता पिता उनको देखरेख नहीं कर रहे हैं, वो समर्थ नहीं है देखरेख करने में, ठीक है, असमर्थ है, तो वो भी लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, वैसे भी बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो वैसे बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर जो फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे होते हैं या फिर मान लीजिए प्रताड़ित
उत्पीड़ित जो बच्चे होते हैं, शोषित बच्चे होते हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है बच्चों के लिए स्कीम है जिसका उम्र जो है 18 से कम होनी चाहिए और इस प्रकार का कोई बच्चा है क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो फॉर्म को भर सकता है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा अगर कोई उसका अभिभावक है, गार्जियन है, तो उसका जो भी अधिकतम वार्षिक आय होनी चाहिए 72,000 से कम होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी से आते हैं तो 96,000 से कम उसका वार्षिक आय होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि मान लीजिए माता पिता और कोई भी गार्जियन भी नहीं है तो ऐसे बच्चे का जो ये क्राइटेरिया है नहीं मांगी जाएगी कि उनका जो पारिवारिक आय हो इतना से कम होनी चाहिए, उसका आय भी नहीं लगेगा, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि उसका कोई गार्जियन नहीं है तो उसका आय प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लगाएंगे, फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अगर कोई गार्जियन है या फिर माता पिता में से कोई एक जिंदा है तो उसका आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है, उसमें आय आपको इतना से ही कम बनवाना होगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे उम्र प्रमाण पत्र जो कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ कर देगा, नहीं है तो आधार कार्ड लगा देंगे, उससे भी काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अभिभावक का मृत्यु हो गया या फिर उनके माता पिता का मृत्यु हो गया है तो उनका जो भी सर्टिफिकेट होता है मृत्यु प्रमाण पत्र का वो लगाना पड़ेगा। बच्चे कहीं शिक्षा संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, पंजीयन कार्ड होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे फॉर्म भरते समय, इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन आप कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले एक आपको फॉर्म लेना होगा जो कि आपका जो भी जिला बाल संरक्षण इकाई होता है, हर जिले में आप जाएंगे ना तो जिला बाल संरक्षण समिति इकाई है जिसके माध्यम से जो भी बच्चे का देखरेख होता है, बच्चे के संबंधित कोई काम होता है तो वहीं से होता है। ठीक है, तो उस कार्यालय में जाकर आपको जो है ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, उसको भरना होगा और भरने के बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लगाकर यहाँ पे आवेदन उसी कार्यालय से करना होगा। ठीक है, तो आप अपने जिले में जो भी जिला बाल संरक्षण इकाई है उससे आप संपर्क करिएगा, वहाँ से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब मान लीजिए स्कीम जो है ऐसे बच्चे के लिए है जो कि बेघर हैं, जिनके पास मान लीजिए माता पिता का सहारा नहीं है या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि उनका कोई है ही नहीं देखने वाला, तो उनको जो है स्पॉन्सर किया जाता है और उनको जो है बेनिफिट दिया जाता है। तो आप मान लीजिए ग्राम क्षेत्र से मुखिया हैं या फिर कोई समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं और आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो कि इस बेनिफिट लेने के लिए लायक है तो उसका जो रिपोर्ट है आप जरूर कर दीजिएगा। प्रखंड कार्यालय पर भी कर सकते हैं या फिर जो भी जिला बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय है वहाँ भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से खुद आकर जो है उसका बेनिफिट देंगे वो लोग। ठीक है, क्योंकि इसका जो है प्रचार प्रसार चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है इससे मतलब बच्चे को जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल जाए। तो एक बार अगर आप समाज सेवा करते हैं तो जरूर बता दीजिएगा कि इस तरह का स्कीम है और उसका जो फॉर्म वगैरह वगैरह है फिलअप करवा दीजिएगा। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको देने वाला था। बाकी अब देखेंगे तो बिहार में भी इसका 2018 में ही शुरुआत किया गया था, पहले स्कूल में 1500 रुपये ही मिलता था लेकिन अभी अब देखेंगे तो इसमें 4000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बंका की हम बात करें तो बंका में इसको लेकर जो है मीटिंग भी हुआ है और बच्चे को जो है लाभ देने के लिए ढूंढ ढूंढ कर जो है उसका आवेदन किया जा रहा है, उसको लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।